मैरी क्रिसमस। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो आज इस क्रिसमस के पर्व के लिए, जबकि आज का दिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव के दिन के रूप में मनाते हैं। आज का यह दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तब सबसे पहला जो सुसमाचार था वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने गडरियों को सुनाया था, और उन्होंने गडरियों को ऐसा कहा था जाकर के कि हम तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाते हैं कि आज दाऊद के नगर बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए जो बड़े आनंद की बात है, जो बड़े आनंद का समाचार है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए ही इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे। आपके और मेरे लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेकर क्रूस पर मारे गए थे, गाड़े गए थे और कब्र में से तीसरे दिन जी उठे थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं, आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह अगर जन्म ले लिया है तो आज आपके लिए क्रिसमस का पर्व एक बड़ी आशीष को लेकर के आएगा। आमीन। और मैं प्रभु यीशु के नाम से कहता हूं कि आज जबकि हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसका दास, जो आप सभी अपने प्रभु का जन्म उत्सव मनाने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं, मैं उसका दास, उसकी ओर से आपको ये बड़े आनंद का समाचार देता हूं। आज की ये सभा में आप सभी बहुत आयत के साथ आशीषित होकर के जाएंगे। आप सभी बहुत आयत के साथ में आशीषित होकर के जाएंगे। आमीन। किसने आनंदित है? मेरा पहला सवाल यही रहता है, जो प्रभु की उपस्थिति में रहता है वो क्या रहता है? आनंद से भरा हुआ रहता है। यहाँ किसकी उपस्थिति है? प्रभु की। वो भी कितना आनंदित होगा स्वर्ग में जब अपने लोगों को देख रहा होगा कि मेरे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे जन्मदिन को। अपना अपना जन्मदिन तो ये बहुत अच्छे से अपने घरों में मनाते हैं, लेकिन आज जब देख रहा होगा ऐसे कितने अन्य जाति हैं जो आज पहली बार आए होंगे, वो प्रभु कितना आनंदित होगा कि ये मेरे जन्मदिन के लिए इतने सारे लोग नए नए कपड़े पहनकर यहाँ क्या है, आनंदित और बहुत आनंद है। आज जितना आप सब आनंद है, मुस्कुरा रहे, आज स्वर्ग में भी उतना ही आनंद है। कितना स्वर्ग दूत कितने आनंद से आज हालेलुया के नारे लगा रहे, डांस कर रहे होंगे, इतना एंजॉय कर रहे होंगे। आज जब हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, सच बता रही हूँ, स्वर्ग में भी उतना ही आनंद का माहौल होगा। हालेलुया। सबको हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। आनंद के साथ बैठे आनंद में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तो सभी आनंद के साथ बैठे, मुस्कुराते हुए बैठे। आज अगर किसी के मन में दुख भी है तो वह सब दुख को भूल जाए, बैर भाव को भूल जाए और आनंद के साथ बैठे, सबको माफ कर दे और आनंद के साथ रहे। आइए हम सात बार प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार करेंगे और उसके बाद सात बार हम हालेलुया के नारे लगाएंगे। तैयार है मेरे साथ में पूरे दिल से? और सात बार हम प्रभु यीशु मसीह के जय के नारे लगाएंगे और सात बार हम हालेलुया स्तुति करेंगे। तैयार हैं? ओके, 1 2 3। प्रभु यीशु राजा की, 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 प्रभु यीशु राजा की। हालेलुया, 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 आमीन।